एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की एक और घटना हुई है। रामनगर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मारपीट हुई है। 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, इनमें से कुछ को सिर पर भी चोट लगी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस समय टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को सिर पर चोट भी लगी है। मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी की रैली चल रही थी। बीजेपी का आरोप यह है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोला। उधर टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की और हमला किया। लेकिन ये कोई तस्वीरें नई नहीं है पश्चिम बंगाल से। हर दूसरे दिन वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरह से आमने सामने होते हैं, मारपीट होती है, सिर में चोट आई है 10 से 12 कार्यकर्ताओं को। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का। कल शायद चीफ मिनिस्टर बोली है कि राजनीतिक हिंसा नहीं होता है और सुबह लाश मिलती है और हम पार्टी के कार्यकर्ता का, तो क्या इनकी बात पर कितने यकीन किया जाए। आज भी हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, गांव गांव में हो रही है। इसको बंद करने की हिम्मत उनके पास नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन टूट चुकी है और उनके हाथ के कंट्रोल में नहीं है। और ये हम जूझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम भुगत रहे हैं। ये सबके सामने जाहिर है, हर रोज के लाश का फोटो आता है, टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, तो इसका सबूत क्या है। तो ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं, घटना कुछ और होता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।